बिल गेट्स का चैलेंज फीचर। नई दिल्ली, देश में पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल ट्रांजैक्शंस में बड़ा उछाल आया है, लेकिन देश की आधी आबादी फीचर फोन के कारण स्मार्टफोन के जरिए होने वाले यूपीआई लेनदेन का फायदा नहीं उठा पाती है। इसलिए फीचर फोन रखने वाले लोगों को भी डिजिटल ट्रांजैक्शंस का फायदा मिल सके, इसके लिए नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने भारत में फीचर फोन रखने वाले लोगों की मदद के लिए एक पेमेंट सॉल्यूशंस डेवलप करने का खुला चैलेंज रखा है। NPCI ने इसके लिए एक इनोवेटिव कॉम्पिटिशन को लेकर CII को तथा बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ कोलैबोरेशन किया है। ग्लोबल कॉम्पिटिशन की घोषणा। फीचर फोन का पेमेंट सॉल्यूशंस तैयार करने के लिए NPCI ने एक ग्लोबल कॉम्पिटिशन की घोषणा की है। इसमें इंडिविजुअल और उपक्रम दोनों ही हिस्सा ले सकते हैं। इस चैलेंज के जरिए विजेताओं का चयन किया जाएगा। पहले विजेता को $50,000, 35 लाख रुपए का इनाम तथा NPCI के साथ मिलकर पेमेंट सॉल्यूशन को डेवलप करने का मौका मिलेगा। दूसरे विजेता को $30,000, 21 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। वहीं तीसरे विजेता को $20,000, 14 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। NPCI ने डेवलपर्स को इस चैलेंज के लिए अप्लाई करने को कहा है। आवेदन भरने की अंतिम तिथि 12 जनवरी 2020 है। केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार्य। केवल ऑनलाइन प्रक्रिया से आए हुए एप्लीकेशन को ही स्वीकार किया जाएगा। CII को तथा NPCI सबसे बढ़िया सॉल्यूशन को शॉर्टलिस्ट करेंगे, जिसे आगे डेवलप किया जाएगा। NPCI की वेबसाइट के मुताबिक जिन स्टार्टअप्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उन्हें NPCI API का एक्सेस मिलेगा, ताकि वे तकनीकी जरूरतों को समझ सके और अपने सॉल्यूशंस को उस लायक बना सके। पढ़े, नए आधार ऐप से एड्रेस अपडेट करना और आसान, जाने और खूबियां। चुने गए स्टार्टअप्स जाएंगे मुंबई। चुने गए स्टार्टअप्स को 11 फरवरी 2020 को मुंबई में एक कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान तीनों विजेताओं को CII को की टीम से मिलने का मौका मिलेगा।